बरकतीज फ्रेंड्स, मैं हेमलता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं अपना व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ और मैं और ज्योतिका बना रहे हैं, ये उसका स्कूल प्रोजेक्ट। तो ये एक बन चुका है, ये और ये दो प्रोजेक्ट बन गए हैं। तो हम लोग तीसरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं और तीसरे प्रोजेक्ट के लिए भी ये दो है शेप्स जो मैं काट चुकी हूँ। अब इसमें हम तीसरा शेप काटेंगे और देखिए यहाँ पे ये बहुत सारे चार्ट पेपर वगैरह हम सब लेके बैठे हैं। तो आज मैं इसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ क्योंकि कल ज्योतिका के स्कूल का प्रोजेक्ट देना है और इतना सब कुछ तो ये लड़के के लिए कर नहीं सकती है। ये काम मैंने दिया था इसके पापा को कि आप और ज्योतिका मिलके प्रोजेक्ट बना लीजिए, लेकिन उसके पापा ने कुछ नहीं किया, उन्होंने वापस मुझे को दे दिया प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो अब ये प्रोजेक्ट बना रही हूँ आपके साथ, मैं ये सब शेयर करूँगी। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चलिए मेरे साथ और मेरे वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए ज्योतिका कैसे मस्ती कर रही है कैमरा में देख के, मैंने ध्यान नहीं दिया था उस टाइम पे, बाद में मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी तब मैंने देखा इसको बहुत मस्ती सूझ रही थी और मैंने इसको पास में बिठा रखा था कि ये भी देखे ध्यान से, क्योंकि अभी तो ये खुद से नहीं कर पा रही थी। और ये सारे प्रोजेक्ट देख के मुझे लगा था कि बाप रे, स्कूल से ये बच्चों के लिए मिला है कि मम्मी पापा को करने के लिए मिला है। तो मैंने अपनी बेटी को साथ में बिठा रखा था और उससे एक चीज़ भी मांगू कि ज्योतिका पेंसिल दे दो, इरेजर दे दो, कैंची दे दो, मैंने सारे चार्ट पेपर के साथ वो इधर उधर सब हो जा रहा था। तो मेरी बेटी बोल रही कि अरे मम्मी कितना काम करवाओगी मुझसे। ये है ओवल, ये सर्कल ट्रायंगल का और ये है ट्रायंगल। तो ये तीन शेप रेडी हो चुके हैं और शेप्स काटने हैं और इन सारे शेप्स को काट के उसको फिर एक चार्ट पेपर में चिपकाएंगे। आप बोलो क्या क्या करेंगे, जोर से बोलो। अब कौन सा शेप काटे? पिंक से। चलो पहले ग्रीन में काट लेते हैं। इसमें कौन सा शेप काटे? स्क्वायर काटे हैं। स्क्वायर करना है ना? तो अब इसका काटेंगे स्क्वायर। ज्योतिका को जब मैंने स्कूल में डाला था तो मुझे बहुत टेंशन होता था कि मैं कैसे ज्योतिका को सब कुछ समझाऊंगी, क्योंकि ज्योतिका घर पे थी तो मेरे साथ दिन रात रहती थी और कैसे उसको बाहर भेजूंगी यही सोच सोच के मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान रहती थी। और मुझे अपनी मम्मी पापा की बहुत याद आती थी कि कैसे उन्होंने मुझे बाहर भेजा था, कि बहुत मुश्किल होता है बच्चों को समझाना। और अभी उसी पीरियड से मैं गुज़र रही हूँ, ज्योतिका को हर चीज़ समझाना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैंने जब वो घर से दूर हो तो कैसे उसको रहना है, मुझे उसे बहुत समझाना पड़ा था कि जैसे घर में हर चीज़ मुझसे बताती है मैं तुम्हारी मम्मी हूँ इसलिए, तो ऐसे ही मैंने उसको समझाया था कि स्कूल में सब कुछ अपनी टीचर से बताना। मैं उसको यही बोलती थी जैसे आसपास अड़ोस पड़ोस में आंटी से बोलते हो बिल्कुल ऐसे ही अपने टीचर से बात करना, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो टीचर से बता देना। बहुत मुश्किल हुआ था शुरू में मुझे इसको समझाना। बाबू आ गया, बेटा उठ गया है, उठ गया नहीं हो गया।
अब क्या करें बाबू, तू क्या बाबू थोड़ी ये सब कौन बनाएगा? थोड़ी देर बेड पे बैठ जाओगे? तो फ्रेंड्स मेरा जयदीप उठ गया है और ये अब मुझे इसका आगे प्रोजेक्ट बनाने नहीं दे रहा है। तो प्लीज वीडियो पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से करो, फिर से वहां जाके बोल के आओ ढेर सारे लाइक करिए, ढेर सारे लाइक कीजिए। अब जयदीप भी उठ गया था तो जयदीप ज्योतिका मिल के दोनों बहुत हंगामा कर रहे थे। मैंने उसको पास में बिठाया था कि तू देख मैं कैसे प्रोजेक्ट बनाती हूँ, लेकिन अब वो जयदीप के साथ खेलने लगी थी और दोनों इतना चिल्ला रहे थे कि मुझे इसकी वॉइस बंद करके और वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो ये प्रोजेक्ट मिला था ज्योतिका को, लेकिन सब कुछ उसमें मुझे को ज़्यादा करना पड़ा है। मैंने सोचा था कि इसके पापा कर देंगे, क्योंकि मुझे फिर घर का काम करके और एडिटिंग करना और उसका भी अलग काम हो गया था, तो मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन उन्होंने नहीं किया सो मुझे को ये सब करना पड़ा और बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था, टाइम नहीं था। पहले से मुझे लगा था उसके पापा कर देंगे, वो हर चीज़ में हाँ बोल देते हैं लेकिन वो लास्ट में ना बोल देते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा तुम देख लो। तो ऐसे ही इस बार भी उन्होंने बोल दिया कि बनाना है तो बनाओ, तो बस ऐसे ही मुझे बनाना पड़ा भाई। हर प्रोजेक्ट का 10 नंबर था, तो अगर नहीं बनाती तो उसके मार्क्स कट हो जाते, लेकिन बच्चे इतना सब कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रोजेक्ट मम्मी पापा के लिए ही मिलता है स्कूल से, ऐसा ही मुझे लग रहा था कि मतलब मैं फिर से स्कूल में पढ़ने लगी हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे इसका प्रोजेक्ट बना रही थी, बस इसका जैसे प्रोजेक्ट बना रही हूँ ऐसे मुझे है अपने चैनल को भी कामयाब बनाना है, जिसकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं कितनी कामयाब होंगी। रियल लाइफ में भी जो भी मुझे लगता है सबसे मुश्किल है छोटे बच्चों को समझाना कैसे उनके साथ बात करें, क्योंकि हम जब जिस चीज़ से गुज़रते हैं उसकी बातें तभी समझ में आती हैं। जब माँ बनी तो समझ में आया कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे बड़ा करने में क्या क्या परेशानी उठाई होगी, जैसे मुझे भी होती है कभी कभी, मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, मतलब उनके साथ मैं इतना बोलती हूँ कि बोलते बोलते कभी कभी मैं खुद रोने लग जाती हूँ। वो लोग इतना हंगामा करते हैं, इतनी मस्ती करते हैं, एक दूसरे को कभी कभी चोट भी पहुँचाते हैं, गिरते पड़ते हैं। और माँ बनना बहुत ही मुश्किल कैरेक्टर प्ले करना है, हर किसी को करना पड़ता है, लेकिन हाँ मुझे हर कदम कदम पे अपनी मम्मी की याद आती है कि वो क्या करती होगी जैसे मेरे मम्मी पापा ने हमें समझाया इस दुनिया में क्या अच्छा है क्या बुरा है, और उसी की सीख को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जी रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये मैंने चार्ट पेपर में चिपका लिया है, ये नीचे एक पुट्ठा रखा था उसमें ये वाइट कलर का चार्ट पेपर चिपकाया, और अब उसके ऊपर मैं ये सारे शेप्स चिपका दूँगी। आज बना रही थी, उसके दूसरे दिन ही मुझे ये प्रोजेक्ट देने थे, ये सब कुछ मुझे को करना पड़ा था क्योंकि इसमें से ऐसा कोई भी काम नहीं था जो ज्योतिका कर पाती, ना वो कैंची से कटिंग कर पाती ना वो कुछ भी, अभी ये सब ड्रॉ भी नहीं कर पाया। मैंने उसको शेप्स दिए कि तुम शेप्स ड्रॉ करो, लेकिन उससे वो भी नहीं हो रहा था, उससे कुछ भी नहीं हो रहा था।
तो भी मैंने उसको पास बिठा रखा था कि यहीं बैठो। बोल दो कि यहाँ हमारी आइसक्रीम पार्टी चल रही है। आइसक्रीम पार्टी चल रही है। बुढ़िया आप लोग भी आइसक्रीम खा लीजिए। आइसक्रीम खा लीजिए। मजा आ रहा? हाँ। खा ले। हाँ। ओके। यहाँ पे शाम का नाश्ता हो रहा था तो इन लोगों के लिए फरफर तली थी। और यहाँ पे देखिए ये जिसको प्रोजेक्ट बनाना है वो कैसे आराम से अपना सो गई है, अपना तितली वितली सब ये बेड पे ही छोड़ के। ज्योति का अभी तक कुछ भी नहीं करती है, मैंने ही बनाया था। मैंने बनाई है ज्योति का ये प्रोजेक्ट की तितली। ये सुबह का वीडियो है, हम लोग गए थे बगीचे में कुछ सब्जियां तोड़ने। तो देखिए आप लोग और जयदीप अभी आए हैं भिंडी तोड़ने, और देखिए भिंडी तोड़ रहे हैं उसके पापा। जाओ बेटा टोकरी में पकड़ो भिंडी, जाओ जल्दी जाओ, जाना बेटा टोकरी देखिए आप पापा को। देखने में कितना सुंदर लगता है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में, एकदम ग्रीन ग्रीन जैसा। और इसके पापा को भी बहुत पसंद आता है, हमारे खेत बहुत अच्छा लगता है भिंडी जो खुद तोड़ते हैं अपने खेत से भिंडी। जाना बेटा टोकरी देख के आओ, देख तो कितनी बड़ी बड़ी भिंडी हो गई है बहुत सारी। जयदीप जब सुबह उठता है तो सुबह सुबह बहुत परेशान करता है, उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो चलिए आज का मैं ये व्लॉग अपना यहीं तक रहती हूँ, अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। आप सबको पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय द्वारकाधीश। भिंडी तोड़ रहे हैं बोलो तो।